तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से एलआईसी के बहुत ही प्रसिद्ध डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर विकास शेलेकर जी से मिलाने वाला हूं और उनके साथ आज हम ये चर्चा करेंगे कि उनके साथ में जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनको वो कैसे सिखाते हैं कि असेट एलोकेशन करना इम्पोर्टेंट है या असेट एलोकेशन के इम्पोर्टेंस को उन्हें कैसे समझाते हैं। तो आज हम विकास शेलेकर जी से इसके बारे में समझ रहे हैं। शेलेकर जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो शेलेकर जी, यही मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो एडवाइजर्स हैं आप उनको असेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे समझाते हैं, कैसे उन्हें समझा पाते हैं, ये बताइए। सर क्या है, किसी भी चीज़ का अगेन एसेट एलोकेशन करना है तो हर जनरली ऐसा है ना, यंगस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट, करना है, ज़रूर है, मैं ना नहीं बोलता, बट कुछ तो उसका स्ट्रांग बेस होना चाहिए, एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए। पर ऐसा ही मैं बता दूंगा तो किसको वो ये नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा या नहीं समझ में भी नहीं आएगा। तो अगेन कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, करेक्ट। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, मेरे गुरु भी है, लाजरस सर है, गोपीनाथ सर है, ये लोगों से थोड़ा सीखा हुआ हूँ और उसमें थोड़ा सा मैंने और चीज़ उसमें ये किया है। तो एक मैं बिल्डर का एग्जांपल देता हूँ। बिल्डर जब भी बिल्डिंग बनाता है तो वो हाई स्टोर के ऊपर कमाएगा या लो स्टोरेज के ऊपर कमाएगा, बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे कमाएगा, फ्लोर पे कमाएगा या छोटे फ्लोर पे कमाएगा, बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उतना कमाएगा, बराबर है। तो जब भी वो बिल्डिंग बनाता है तभी आपने कभी देखा कि कितना फाउंडेशन डीपली बिल्ड करता है और ये करता है, देखा है आपने, जितना ऐसा मैंने सुना है कि जितना ऊंची बिल्डिंग है उतना गहराई ज़्यादा रहना पड़ता है, बराबर है। अब सोचो सर कि अगर उसने फाउंडेशन बना दिया और बिल्डिंग बनाना छोड़ दिया तो क्या वो कमाएगा, यानी फाउंडेशन में उसको रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि बिल्डर के ऊपर बहुत से बिल्डिंग के ऊपर एक पिलर रहते हैं, फाउंडेशन के ऊपर पिलर्स रहते हैं, जब पिलर बना के भी छोड़ दिया तो भी कुछ कमाएगा नहीं, कुछ कमाएगा। पर आप अगर देखेंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट का 10-15% इन्वेस्टमेंट ये इसमें रहता है। तो अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक बिल्डर इतना प्लानिंग करता है कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ बाद में मेरा पिलर होएगा और बाद में मैं ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, क्या सर अपने इन्वेस्टमेंट के इसमें आपने ये सब कभी सोचा है ऐसा एलोकेशन करने का? फाउंडेशन है ना, नो रिटर्न्स ना, वो मैं इन्वेस्टमेंट में बोलता हूँ योर टर्म प्लान, योर मेडिक्लेम, योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रोफेशन इंश्योरेंस, ये चार चीज क्या करती है, इन रिटर्न जीरो देगी पर आपके इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग बना देगी। अगर कल कुछ भी हो गया ना आपकी फैमिली फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज आपने फाउंडेशन जबरदस्त बना के रखा है, उसके ऊपर पिलर्स आते हैं। पिलर्स का काम क्या है, LIC कन्वेंशनल पॉलिसीज, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, ये सब जो बोनस के साथ देने वाले, गारंटी है आपकी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड इतना नहीं रहेगा बट आपको गारंटी के साथ वो पैसा मिलेगा, किधर जाएगा नहीं, करेक्ट। ये पिलर्स है जो आपके फाउंडेशन को ऊपर पिलर के और जबरदस्त बनाते हैं, और बाद में आप करो ना कितना चाहिए उतना, जितना चाहिए आप शेयर्स इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी करना है वो करो, पर पहले आपका फाउंडेशन को ये करो। क्यों, क्योंकि कुछ भी होने जाए, आज मैं सब कर रहा हूँ, मेरी वाइफ उतना ही उसका नॉलेज रहेगा या उतना वो कर सकेगी मालूम नहीं है, तो एक फाउंडेशन बेस रखेंगे तो उनको भी उतना बेस मिल जाता है ना, कल कुछ हो गया तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एसेट एलोकेशन में ये सिर्फ ये होना चाहिए ऐसा नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ और कितना भी ये करो, ये मैं जनरली एसेट एलोकेशन के लिए मैं बताने के लिए बोलता हूँ कि ऐसा बताओ तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो मतलब एसेट एलोकेशन को अच्छे से समझना है
तो एक ऊंची इमारत दिमाग में अगर आ जाए तो पूरा का पूरा एसेट लोकेशन समझ में आ जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो रिच कस्टमर होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो लोग जो है वो एक ही जगह पर, चलो भाई रियल एस्टेट में पूरा पैसा लगा दो, कहीं पे नहीं लगाना है। करेक्ट। तो अगर कोई बिल्डर सामने आ गया तो उसको एसेट लोकेशन बहुत अच्छे से समझेगा। बराबर बराबर। आप एसेट लोकेशन अपनी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, फॉलो करते तो फिर इन्वेस्टमेंट में भी करना ही करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया शेलेकर जी। यस, बहुत बहुत अच्छा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।